वहीं छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। राजधानी रायपुर में भी हम आपको बता दें तमाम तैयारियां स्वतंत्रता दिवस को लेकर की जा रही है। रिहर्सल का जो दौर है वो भी अभी जारी है, किस तरीके से वहां पर तैयारियां हो रही है वहां का भी हाल हम जानेंगे हमारे संवाददाता से, उनसे पूछेंगे किस तरीके से वहां तैयारियां हो रही है। और वहीं इसके साथ ही कोरोना काल को देखते हुए किस तरीके से वहां नई गाइडलाइन जारी की गई है और क्या माहौल फिलहाल बना हुआ है वहां पर स्वतंत्रता दिवस के रिहर्सल के दौरान। दिवस अमर रहे, 15 अगस्त का दिन होगा और स्वतंत्रता दिवस की जो सलामी है वो इस बार छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आगाज की साथ में होगा। इसके साथ साथ लगातार जिस तरीके से परेड की जो कवायद जो चालू रहती है और खास तौर से जो सलामी देनी होती है वो इस बार कोविड की वजह से थोड़ी धीमी तो जरूर है, लेकिन इस बार नए पैटर्न में भी सलामी देने की जो तैयारी है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन छन्नो के साथ अखिलेश तिवारी, एमके न्यूज, रायपुर छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या तैयारियां पूरे देश भर में यहां पर देखी जा रही है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तैयारियां हैं हम आपको फिलहाल यहां पर बता रहे हैं। डीएसपी ललिता मेहर यहां पर परेड की कमान करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें जो स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हैं वो जोरों पर है, रिहर्सल की जा रही है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं और राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस, उसे देखते हुए सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम है। यहां पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है ताकि किसी तरीके से भी कोई समस्या यहां पर नहीं आए। इसे देखते हुए आपको बता दें कि रिहर्सल का जो दौर है वो जारी है, वहीं कोरोना काल को देखते हुए भी यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं अखिलेश तिवारी, यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या तैयारियां राजधानी रायपुर में की जा रही है, स्वतंत्रता दिवस है, तैयारियां जोरों पर है, वहीं रिहर्सल का दौर भी वहां पर जारी है, क्या माहौल बना हुआ है फिलहाल बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में और पुलिस ग्राउंड में एक माहौल जो बना हुआ है वो कोविड को देखते हुए एक स्थानीय तौर पर अगर देखा जाए तो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सामाजिक जो कार्यक्रम है, वो तमाम तरह के जितने भी जो अवलोकन किया जाता है उसको निरस्त कर दिया गया है और मुख्यमंत्री एक संदेश पत्र पढ़ेंगे। संदेश पत्र में आम जो जनता है उनके संबोधित करते हुए उनको खुशहाली और राज्य की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए उसका व्याख्यान किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए यहाँ की जो और मूवमेंट की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर सलामी देनी है और सलामी के अलावा जिस और अनेकों जो कदम है उसके साथ साथ एसटीएफ जीआरपीएफ और इसके अलावा सशस्त्र बल के जो जवान है वो सलामी देने के लिए तैयार रहेंगे। लगभग इनकी जो टुकड़ी है लगभग 150 से 200 की कवायद जो चालू किया गया था उसमें अंतराल में किया गया है, तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि जो सलामी है वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के साथ में और जो शहीद हुए जवान हैं उनको याद करके सलामी देने की जो प्रक्रिया होती है वो निश्चित तौर पर निभाया जाएगा। प्राची जी, अखिलेश, वही कोरोना का एक दौर हमने झेला है, उसके बाद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या खास इंतजाम है जो इस दौरान किए गए हैं? कार्यक्रम होगा, स्वतंत्रता दिवस का झंडा वंदन भी होगा, लेकिन कोरोना का प्रभाव किस तरीके से राष्ट्रीय त्योहार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, राष्ट्रीय त्योहार में जिस तरीके से कोरोना का जो प्रकोप है वो अब भी बरकरार है, इसी कारण है कि जिसकी वजह से जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको निरस्त कर दिया गया है और इसके अलावा जितने भी लोगों की जो भीड़ आनी चाहिए थी उस पर कंट्रोल कर दिया गया है। बाकी बकायदा यहाँ टोकन दे करके रखा गया है, जिनको जिनको उपस्थिति होनी है वही लोग उपस्थिति हो पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको लेकर के आने की हिदायत नहीं दी गई है। इसके साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो भी व्यवस्था अभी से रूपरेखा के तौर पे वहाँ स्थित है। इसके अलावा पुलिस की जो टीम है इसके साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी वहाँ उपस्थित रहेंगे, फायर सेफ्टी वाले उपस्थित रहेंगे और वहाँ की जो कोरोना की जो टेस्ट होने की बात सामने आ रही है वो भी निश्चित तौर पे वहाँ व्यवस्थापन के रूप में किया गया है। तो निश्चित तौर पे जो भी लोग पहुंचेंगे एक नई कड़ी में जोड़ते जाएंगे
और उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करने की बाकायदा इसमें एक अंतराल में क्रॉस चेक भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से एक के बाद एक परत दर परत रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको निभाने की पूर्ण रूपरेखा तैयार की गई है और इसी तरीके से रणनीति बनाई गई है। पर जी जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में भी कड़े सुरक्षा के भी इंतजाम यहां किए गए हैं और आगे भी जो तैयारियां की जा रही हैं उन पर भी खासा जोर दिया जा रहा है, जोर शोर से जो तमाम तैयारियां हैं वो चल रही हैं यहां पर। वहीं अगली खबर हम यहां पर जगदलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जगदलपुर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। कलेक्टर आईजी तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं तैयारियों में और किस तरीके से ये तैयारियां हो रही है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। रिहर्सल जारी है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो रिहर्सल है उसका दौर जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बस्तर में भी स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। बस्तर कलेक्टर आईजी और एसपी ने जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस जवानों के द्वारा परेड की फाइनल रिहर्सल और परेड ग्राउंड की तैयारियों का निरीक्षण किया। परेड में लगभग 200 पुलिस जवान हिस्सा लेंगे और इस परेड की कमांड महिला पुलिस ऑफिसर डीएसपी ललिता मेहर करेंगी। इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में माननीय प्रभारी मंत्री श्री लखमा जी चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में रहेंगे, उसी की पूरी कार्यक्रम की तैयारी देखने के लिए आईजी साहब के साथ, एसपी साहब के साथ और पूरी टीम के साथ हम लोग आज आए हैं। और कोरोना को देखते हुए कुछ सीमित रूप से प्रोग्राम किया जा रहा है और बहुत अच्छे से प्रोग्राम होगा, इसके लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। हम लोगों ने वॉलंटियर्स भी नियुक्त किए हैं कि जो भी यहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं दर्शक दीर्घा में, उनमें सामाजिक दूरी बनाए रखें और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन। कोरोना के कारण इस बार परेड नहीं हो रही है, सम्मान गार्ड हो रहा है। इसमें जब मुख्य अतिथि आएंगे तो और जो भी वीआईपी आएंगे हमारे और जो वरिष्ठ अधिकारी उनको सलामी दी जाएगी और परेड जो घूमती है परेड करते हुए इस बार नहीं होगा और हमें खुशी है कि आईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में। तमाम तैयारियों को लेकर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील साहा जुड़े हुए हैं जगदलपुर से। सुनील, क्या तैयारियां जगदलपुर में की जा रही है, किस तरीके से माहौल बना हुआ है, स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल चल रही है, क्या स्थिति, क्या माहौल फिलहाल बना हुआ है और क्या तैयारियां वहां पर की जा रही है स्वतंत्रता दिवस को लेकर? ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए बड़े ताजगीपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन के द्वारा वो बड़े ही ताजगीपूर्ण मनाया जा रहा है। सिर्फ तैयारी जोरों पे है, लेकिन सिर्फ परेड ही परेड करवाया जाएगा, जिसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा परेड कमांड करने के लिए महिलाओं को आगे किया गया है, जिसमें डीएसपी ललिता मेहर कमांड करेंगी और बाकी तैयारियां तो सभी शासकीय भवनों को बिल्कुल जैसे सजाया जाता है उस टाइप का पूरा सजाया गया है। बस फर्क इतना ही है कि जो पिछले साल की तरह इस साल भी बिल्कुल ताजगीपूर्ण है, कोई झांकी नहीं, कोई स्कूल की पीटी नहीं और ना ही एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्रों के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। जी सुनील जी, वहीं कोरोना को लेकर क्या खास इंतजाम इस दौरान किए गए हैं, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है वहीं भीड़ भी यहां पर इकट्ठी होगी कहीं ना कहीं तरीके से, वहीं कोरोना को लेकर क्या संक्रमण से बचाव के लिए क्या खास इंतजाम इस दौरान किए गए हैं कार्यक्रम के दौरान? इस संबंध में कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वॉलंटियर नियुक्त किया गया है, जो शहरवासी या जो भी पब्लिक वहां उपस्थित होंगे उनके लिए सैनिटाइज का व्यवस्था किया गया, इसके अलावा एज ए वॉलंटियरों को भी नियुक्त किया गया ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सके और किसी प्रकार की कोई खतरे की स्थिति न बन पाए।
जी सुनील जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूलों में भी झंडा वंदन हर साल किया जाता है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वहीं इस बार किस तरीके की स्थिति रहेगी, क्योंकि बच्चे स्कूल आएंगे या नहीं, विद्यार्थी जो हैं वो भी, उन्हें स्कूल में प्रवेश इस बार दिया जाएगा या नहीं, वहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर बताइए कि क्या स्थिति स्कूल में फिलहाल बनी हुई है। स्कूलों में ऐसा है कि सीमित, अभी पूरे स्कूल भी स्टूडेंट पूरे नहीं आ रहे हैं, सीमित तौर पे ही स्कूल निरंतर चल रहा है, इसलिए जो झंडा वंदन के कार्यक्रम में भी बिल्कुल सीमित रूप से ही किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चों को नहीं बुलाया गया, सिर्फ सीनियरों के उपस्थिति में ही झंडा वंदन किया जाएगा, ताकि कोरोना से किसी भी प्रकार का खतरा न हो। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि जगदलपुर में भी जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है, इसके साथ ही कोरोना की भी जो तमाम गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है।